प्रयागराज के अहद PCSJ की परीक्षा पास करके जज बन गए हैं। बीते 30 अगस्त को PCSJ यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट का रिजल्ट घोषित हुए था। अहद अहमद का भी नाम था। मुश्किल हालात में पले बड़े अहद ने बिना किसी कोचिंग के ये सफलता हासिल की है। अहद के पिता पंचर बनाने की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। बेटा कई बार पिता की दुकान में मदद भी करता था। अहद अहमद प्रयागराज शहर से कई किलोमीटर दूर नवाबगंज इलाके के छोटे से गांव बरई हर के रहने वाले हैं। गांव में उनका छोटा सा टूटा फूटा मकान है। घर के बगल में ही उनके पिता शहजाद अहमद की साइकिल पंक्चर बनाने की छोटी सी दुकान है। इसी दुकान में वो बच्चों के लिए टॉफी व चिप्स भी बेचते हैं। ये दुकान अब भी चलती है। पिछले कुछ साल से अहद यहाँ नियमित तौर पर तो नहीं बैठते, लेकिन कभी कभार पिता के काम में हाथ जरूर बटा लेते हैं। की खुशी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि सपना था, 4-5 साल का सपना था कि जज बनूं और PCSJ क्वालिफाई करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। लेकिन ये है कि परिवार हमेशा मेरा साथ रहा। कंपटीशन कितना भी हो, संघर्ष कितना भी बड़ा हो, हमेशा उन्होंने साथ दिया। अगर उनका साथ ना होता तो शायद ये इम्पॉसिबल होता। ये उन्हीं का साथ है, और ये सफलता सिर्फ मेरी नहीं, उनकी भी है बराबर। 2021 से लेके अभी तक, और ये उसी का परिणाम है कि सक्सेसफुल रहा। और पारिवारिक कठिनाइयों की वजह से कोचिंग तो नहीं कर पाया, लेकिन घर पे ही तैयारी की। अहद अहमद ने गांव के ही उच्च प्राथमिक विद्यालय से 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए प्रयागराज शहर गए, जहां पर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से 2012 में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से BA किया और यहीं से LLB की डिग्री हासिल की। इसके बाद वे इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। यहाँ पर वो तत्कालीन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ से खासे प्रभावित हुए और उन्होंने कोरोना काल में PCSJ की तैयारी शुरू कर दी। अहद अहमद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को अपना आदर्श मानते हैं और उनसे खासे प्रभावित हैं। अहद अहमद 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। उनके माता पिता ने सिर्फ अहद अहमद को ही नहीं पढ़ाया, बल्कि अपने दूसरे बच्चों को भी तालीम दिलाई। अहद के बड़े भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके हैं तो छोटा भाई एक प्राइवेट बैंक में ब्रांच मैनेजर है। परिवार में खुशियां हाल के दिनों में ही एक साथ आई हैं। अहद का कहना है कि माता पिता ने उन्हें न सिर्फ मुफलिसी और संघर्ष में पाल पोसकर इस मुकाम तक पहुंचाया है, बल्कि हमेशा ईमानदारी और नेक नीति से कम करने की नसीहत भी दी है। माता पिता की इस हिदायत पर वो उम्र भर अमल करने की कोशिश करेंगे। अहद के मुताबिक उन्हें ये बताने में कतई झिझक नहीं होगी कि वो एक पंचर वाले के बेटे हैं। पिता शहजाद अहमद को वो अब आराम देना चाहते हैं।